गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर, आपकी क्लास थर्ड की हिंदी वैभव का तीसरा अध्याय अर्थात थर्ड लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक निबंध है प्रदूषण पर, इस निबंध के द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने का प्रयास किया गया है। बच्चों इस चित्र को देखो, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र को देखो, यह गाय मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे से की बड़ी पॉलिथीन की थैलियां खाने से हुई है। ये क्या थी? पॉलिथीन की बड़ी थैली। इसके जिम्मेदार हैं हम और आप। हम खरीदारी करते समय सामान पॉलिथीन में लेते हैं और फिर सामान निकालकर पॉलिथीन इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर घास आदि के साथ इस पॉलिथीन को भी खा जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। प्लास्टिक की पॉलिथीन कभी प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। कौन है? प्लास्टिक की पॉलिथीन्स। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आज के युग में एक विशाल समस्या बन गई है। विशाल मीन्स बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आज छोटी से लेकर बड़ी वस्तुएं प्लास्टिक की थैलियों में उपलब्ध होती हैं। आज तो घर, दुकान व कार्यालयों में मीन्स ऑफिस में भी दैनिक कार्यों में प्लास्टिक के उपयोग की अधिकता है और हम सभी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। हम भी प्लास्टिक की थैलियों में सामान लेकर आते हैं। अन्य धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि इनको आम आदमी नहीं खरीद पाता। प्लास्टिक का सामान सस्ता होने के कारण अधिक उपयोग आता है, परंतु इसकी कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लाभ तो हैं, मगर यह पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। प्लास्टिक से बनी हुई चीजें जो हम रोजमर्रा में जीवन में काम में लेते हैं, उनके जो कारखाने हैं प्लास्टिक की चीजों के, वो बहुत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। खेतों में मिट्टी अंदर अगर पॉलिथीन आ जाती है तो बीज में अंकुर ऊपर नहीं आता, निकल पाता, परंतु इस समस्या के प्रति हमें जागरूक होना है। यानी अब हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है कि ये समस्या अब धीरे धीरे बड़ा रूप धारण करती जा रही है, नहीं तो मानव जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए हम सबको पहल करनी पड़ेगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े का थैला अवश्य ले जाएं, या हम कागज के थैलों का उपयोग करें। प्लास्टिक पॉलिथीन पर सरकार को भी रोक लगानी चाहिए, तभी प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग कम हो सकता है। इस प्रकार हम प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विकराल राक्षस से बच सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कूड़े का कचरे का देश, इसमें कितनी सारी प्लास्टिक की पॉलिथीन्स हैं। तो ये सिर्फ गंदगी पैदा करती हैं, या ये ना तो सड़ती हैं ना गलती हैं, ये सिर्फ गंदगी पैदा करती हैं। इनको खाके जीव जंतु मरते हैं। तो आइए आज हम संकल्प करें कि अब हम प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वच्छ मीन्स साफ पर्यावरण में ही मानव का विकास संभव है। ठीक है, ये आपके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे परिणाम मीन्स फल, जागरूक मीन्स आंखें खोलना, स्वास्थ्य मीन्स सेहत, संकल्प मीन्स प्रतिज्ञा,
पर्यावरण में चारों ओर का वातावरण असंभव जो ना हो सके, कार्यालय में दफ्तर। आपके ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।